हस्तिनापुर में, वही हस्तिनापुर जो पांडवों की राजधानी रही थी। इसका एक अपना गौरवशाली इतिहास है। इस वीडियो में हम देखेंगे वो पीपल का पेड़ जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इस पे पांडव लोग बचपन में खेला करते थे। और ये जो मंदिर है, यह है भगवान शिव का मंदिर जहाँ पांडव लोग पूजा किया करते थे। 7200 साल पुराना है ये मंदिर और ये पेड़ भी उतना ही पुराना है। पहले यह शिवलिंग थोड़ा बड़ा हुआ करता था। यहाँ के लोग बताते हैं कि एक टाइम में इस शिवलिंग को काट दिया गया था, पर यह शिवलिंग आज भी मौजूद है, वही पुराना शिवलिंग है ये। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें आपको दिखाएंगे पांडव की वो पांच मूर्ति। इसमें पांडव की वो पांच मूर्ति है जो कहा जाता है कि पहले यह पांचों मूर्ति में पांडवों का चेहरा साफ झलकता था, पर अब ये चेहरा नहीं झलकता, बस ये पत्थर की मूर्ति। और यहीं पर एक कुआं भी है। कहा जाता है इस कुआं के पानी से जो भी नहाता है उससे जितने भी चर्म रोग हैं वह ठीक हो जाते हैं, इवन कैंसर तक ठीक होने की बात की गई है। इसी मंदिर के पास ये कुटिया है मौनी बाबा का। यहाँ एक पंडित रहते थे, मौनी बाबा उनको कहते थे। वो अपने पूरे जीवन में कभी भी एक शब्द भी ना बोले। इनका एक छोटा सा मूर्ति बना हुआ है। कहा जाता है जो भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। और यहीं पे आपको दिखाएंगे वो परीक्षित गढ़ का जाने का रास्ता, वह सुरंग, मैंने हस्तिनापुर से परीक्षित गढ़ जाने का वह सुरंग था पहले, अब ये सिंबॉलिक रह गया है। कहा जाता है कि पहले इसमें से खड़े होकर आप परीक्षित गढ़ तक जा सकते थे, पर अब ये भर चुका है, अब दिखाने भर के लिए ये सुरंग रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है। अब आपको दिखाते हैं पांडवों की कुल देवी, जयंती माता का मंदिर। पांडव की कुल देवी हैं और यह हस्तिनापुर टीले पर स्थित है। यह शिवलिंग तो नया है, इस समय मंदिर के बंद होने का समय था इसीलिए मैंने बाहर से लिया। ये है उनकी कुल माता। अब हम चल रहे हैं बिदुर कुटी पे। यह वही कुटी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और विदुर में वार्ता हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के यहाँ साग और रोटी खाया था और यहाँ पे बात हुई। देखेंगे, आपको पहले ही बता दूँ कि यह देखने में आपको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि इस किला में कुछ नहीं है देखने के लिए, बिल्कुल खंडहर बन चुका है यह किला। आपको सबसे पहले यहाँ की कुलदेवी दिखा दे जिसका पांडव लोग पूजा किया करते थे। ये नई मूर्ति है शंकर भगवान की, यह है कुलदेवी जयंती माता। यहाँ के पंडित के अनुसार पांडव यहीं पूजा किया करते थे। और यह जो किला है, आप ये ऊंचाई का अंदाज़ा लगेगा थोड़ी देर में, ये हम लोग फोर्थ फ्लोर पे हैं। यह किला 6 मंजिला हुआ करता था, अब ये फोर्थ फ्लोर है और कहीं कुछ नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कुछ भी नहीं है देखने के लिए। यहाँ पे मैं जब ऊपर आ रहा था तो लोकल पुलिस ने मना भी किया कि ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं जंगल के सिवा। और सुनने में आया है, क्योंकि देखने को मिला नहीं, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिले हैं जो पांडवकालीन हैं, पर ये जो आपको सामने दिख रहा होगा घर, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, पर ये हमेशा बंद ही रहता है। यहाँ के लोकल्स ने बताया कि शायद ही कभी खुलता है। और इसकी इस स्थिति का कारण क्या है कि यह पहले पुरातत्व विभाग के अंदर था, उस समय खुदाई हो रही थी, पर सरकार ने इसको वन विभाग को दे दिया और वन विभाग ने इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब यहाँ कोई खुदाई नहीं होती। यह जो कुआं, इसके बारे में कहा जाता है यह द्रौपदी यहाँ स्नान किया करती थी, आज भी इस कुआं में पानी है। आप कुआं की गहराई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले हस्तिनापुर पांडवों के लिए जाना जाता था, अब हस्तिनापुर जैनियों के लिए जाना जाता है। यहाँ जैन मंदिर ज़्यादा हैं, ये आप देख सकते हैं, रास्ता भी नहीं है चलने के लिए। अगर इसको भी डेवलप कर दिया जाता तो टूरिस्ट प्लेस होता, पर ये वन विभाग के अंदर है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। भारत का यह पौराणिक स्थल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, बट यहाँ कुछ है ही नहीं है सर।
यहाँ एक जगह है, आप देखिए रास्ता भी नहीं है, यहाँ एक जगह है जहाँ कहा जाता है कि यहाँ से रथ निकला था, अर्जुन के धनुष निकले थे और भी बहुत सारी चीज़ें निकली थी। ये यहाँ गड्ढा दिखेगा आपको, ये जो गड्ढा है इसी में से निकला था, पर है कहाँ पता नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ से उतरने का ढलाव शुरू होता है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी ऊंचाई पे है। पहले ये 6 मंजिला थी, अब ये 4 मंजिला, कहीं कहीं थोड़े बहुत दीवार बची है और कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे सब कुछ खंडहर हो चुका है।